आ रही है? आमीन, प्रेज द गॉड. थैंक यू ब्रदर रोहन. जितनी आपने दुआ में बातें की हैं, द गॉड स्पोक टू मी लास्ट नाइट. द टेस्टिमनीज विल बी देयर. देयर विल बी द फ्लो ऑफ होली गोस्ट. अदर थिंग्स शेयर करना चाहता हूँ इससे पहले, दो चीजें मैं कलाम शुरू करने से पहले, कि जैसे भाई ने कहा, रेवरेंड कामरान पीटर ने कहा कि एंजल्स उनके घर पे, मुझे एक चांस मिला उनके घर पे सोने का. हम सब फैमिली साथ थे, एक रात हम वहां पे स्पेंड किया और हम सोए ऊपर वाले कमरे में. सुबह मैं उठकर आया तो भाभी से मिला के मैंने बोला, आपके घर तो इतने फरिश्ते हैं, लाइक जैसे शहद की मक्खियां एक दूसरे के ऊपर चिपकी होती है, वैसे फरिश्ते इनके घर पे थे. और सुबह उठ के मैंने ये कहा, मैंने कहा कि आप लोगों के घर तो लाइक एक के ऊपर एक फरिश्ता है, एक के ऊपर एक फरिश्ता है, एक के ऊपर एक, लाइक इट वॉज बिलियंस, थाउजेंड्स एंड बिलियंस थे. दूसरी एक चीज सुबह ये हुई कि मैं काफी दिन से खुदावन के लहू को मांग रहा था. मैं सुबह उठा, दुआ की मैंने, दुआ करने के बाद आई वेंट टू द डीप प्रेयर सेशन में जब गया, तो उसके बाद मैंने अपने हाथों पे फिजिकली, प्रॉपरली फिजिकली खुदावन के लहू को देखा. और मेरे हाथ कोई कटे नहीं है, देयर इज नो बैंडेज. मेरी उंगलियों पे, मेरे इस रिस्ट पे ब्लड ऑफ जीसस था. मैं एकदम, मैं उसके बाद मैं उठा दुआ करने के बाद, मैंने रियलाइज नहीं किया, मैं टॉयलेट गया तो मैंने वहां देखा मेरे हाथ पे ब्लड, मेरी उंगलियों पे, मेरी कोई उंगली कटी तो नहीं है. मतलब कभी हो सकता है कि बच्चों ने कुछ फेंका हो तो मुझे रियलाइज नहीं हुआ प्रे में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, देयर इज नो कट. तो खुदावन से मैं ये चीज मांग रहा था कि आई वॉन्ट टू कवर माई सेल्फ, कवर माई हाउस, कवर माई ब्रदर एंड सिस्टर्स इन योर प्रेशियस ब्लड. तो खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन जवाब देते हैं, खुदावन बात करते हैं, खुदावन हमें अकेला नहीं छोड़ते जब हम डेस्परेटली पूरी तरह से खुदावन के पास जाते हैं. तो खुदावन का शुक्र करते हैं. मेरा ईमान है कि आज के कलाम के बाद नो विल, नो पर्सन विल बी सेम. बिकॉज जब हम खुदा के कलाम को अपने अंदर मुकम्मल तौर पर ले लेते हैं, तो खुदावन का कलाम हमें ट्रांसफॉर्म कर देता है. खुदावन पाक खुदा, मैं शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए कि आपने अपॉर्चुनिटी अदा की ताकि मैं आपके हजूर खुदावन उस कलाम को जो आपकी तरफ से है खुदा पाक करूं. आई वेलकम यू इन माय स्पिरिट, आई वेलकम यू इन माय बॉडी, आई वेलकम यू इन माय थॉट्स. खुदावन पाक खुदा, इसी तरह इन सब की जिंदगियों में, इनके घरानों पे, मेरे घरानों पे, खुदावन पाक खुदा रू, मैं आपको वेलकम कहता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ. आमीन, आमीन. प्रेज द गॉड. आज का टॉपिक है हाउ टू वॉक इन स्पिरिट. How to walk in spirit for the kingdom of God. अगर हम वाकई kingdom of God में चलना चाहते हैं, kingdom of God के थ्रू चलना चाहते हैं, then we have to have walk in our spirit. खुदावन का कलाम यू कहता है कि the book of Galatians chapter 5 verse 16. अगर मेरे लिए कोई हिंदी में पढ़ दे या पंजाबी में, मेरे पास उर्दू में है तो then I want to involve everyone. They can just read it quick as they can. Either in English. Galatians 5:16. Galatiyon ki kitab. Ji, Sister Nandpreet. Ji. Galatiyon di kitab, panjwe bhaab da, main solvi ayat padhangi. Par main aakhta haan, tusi atma dwara chalo, शरीर के विषय पूरिया ना करोगे. आमीन. आप पूरा पढ़ दें 17 भी प्लीज. सेवनटीन वर्स इसके साथ ही है, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ है, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो. एक और चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, मैंने ये मेरा टॉपिक नहीं था, आई डोंट वांट टू टीच दिस वन. मैंने लास्ट यस्टरडे मिस्टर पीटर को कॉल किया कि मैंने प्रीच किंगडम ऑफ कीज पे करना था, बट होली स्पिरिट सेड टू मी यस्टरडे नो, प्रीच दिस वन. और मैंने कहा मिस्टर पीटर वो मैंने तैयार किया था, देन आई नीड टू प्रिपेयर दिस वन और दिस इज बिट लॉन्गर. तो उन्होंने कहा ब्रदर टेक योर टाइम, थैंक यू सो मच. मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ है, ताकि तुम चाहते हो वो ना करो.
हमारी जो स्पिरिट और हमारा फ्लैश है दे आर ओपोजिट टू ईच अदर, क्योंकि जो हमारी स्पिरिट कहती है वो हमारा जिस्म नहीं कहता, जो जिस्म कहता है वो स्पिरिट नहीं कहती. इट्स ऑलवेज ऑलवेज ऑपोजिट चलती है. सुबह जैसे जब हम उठते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले आती है पूरे दिन दिन का शेड्यूल आता है, हमारे काम, हमने क्या काम करना है, किस तरह काम करना है, हमने हमारी क्या परेशानी है, खाना कैसे है, पकाना क्या है, या ऑल जो हाउस होल्ड चीजें होती है, या हमारी जिंदगी की परेशानियां भी होती हैं, ठीक है. लेकिन इफ वी वॉक इन स्पिरिट, सो वी जस्ट लीव इट एवरीथिंग फॉर द स्पिरिट, क्योंकि खुदा का रूह जानता है, खुदा का रूह जानता पहचानता है कि हमें किस तरह से चलना है, किस तरह से खुदा के पाक रूह के हदायत से, पाक रूह के वसीला से हम चले. हम डिसीजंस करते हैं, अपने स्टेप्स लेते हैं कि हम ये काम इस तरह कर लेंगे या उस तरह से कर लेंगे. दो चीज हम डिटरमाइंस करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, एक अपने फ्लैश को या दूसरा अपनी स्पिरिट को. देयर आर टू थिंग्स विल बी डिटरमाइंड in our body, in our daily life. One is flesh, the second is the spirit. Flesh has its own way. Hamara jism jo hai, uski apni marzi hai. Hamara jism apni marzi ke hisab se hamari spirit ko chalana chahta hai. Aur the worst thing in flesh, hamare jism ki jo sabse dangerous thing hai, wo give up nahi karta. Hamari aatme give up nahi karti. बहुत टाइम लेते हैं, इट्स टेक टाइम, फिर भी हम कहीं ना कहीं आकर अपनी उस आदत में वापस आ जाते हैं, जो आदतें शायद खुदा की हजूरी में या खुदा के नजर में या हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए वो ठीक नहीं होती. वी शुड कंट्रोल ओवर विच कंट्रोल आवर स्पिरिट. आई वुड से बैक अगेन, वी शुड कंट्रोल ओवर व्हाट कंट्रोल्स आवर स्पिरिट. We should control it. और ये एकदम से नहीं होता. It's take time, it's take ages to sort it out. जिस तरह हम खुदा के कलाम में, खुदा के वर्ड में, खुदा की हजूरी में, खुदा की प्रेजेंस में टाइम गुजारते, उस तरह से हम अपनी पुरानी जिंदगी से, उन पुरानी आदतों से या जिस्म की उन ख्वाहिशों से हम उन्हें अलग कर देते, अपने आप को सेपरेट कर देते हैं. We should walk in spirit. अगर हम वाकई स्पिरिचुअल जाना चाहते हैं, अगर हम वाकई किंगडम ऑफ गॉड में रहना चाहते हैं, खुदावन की उस बादशाही को पूरा करना चाहते हैं, वी हैव टू हैव वॉक इन आवर स्पिरिट इन आवर डेली बेसिस टाइम. इफ वी वांट टू लिव इन विक्ट्री, इफ वी वांट टू लिव इन अ क्वालिटी लाइफ विच इज अवेलेबल इन द व्हेन वी वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, व्हेन वी वॉक अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ गॉड, we live highly quality life, highly quality favors we will live. खुदावन का हम शुक्र करते हैं, खुदावन जो जलाली मेहरबान है, खुदा का पाकरू हर वक्त हमें गाइड करता है, हर वक्त हमें गाइड करता है. मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ अपनी एग्जाम्पल देने के लिए, क्योंकि जब आप अपनी एग्जाम्पल दे के कलाम प्रीच करते हो या टीच करते हो, दैट इज मोर ऑथेंटिक रादर देन आप कहीं से गैदर कर लेते हो. I think आप सब agree करते होंगे. I don't want to wear this white shirt today. I really don't want to. मैंने दूसरी शर्ट निकाली. मैं सुबह उठा, Holy Spirit said no, not blue the white. And I start experience since last week कि खुदा का पाक रूह कैसे काम करता है. I was praying on my workplace because पूरे COVID-19 में I'm a key worker. I didn't have off. बल्कि मैंने अपनी strength से ज़्यादा काम किया. I was praying in my spirit, मतलब तो काम की जगह पे वहां पे कोई आया और मैं कह रहा हूँ अपने आप से, मैं खुदा रू से बात करूँ, खुदा पाक रू, ये बंदा कहेगा कि यू आर मैड गाय, विच लैंग्वेज यू टॉकिंग. खुदा का पाक रू होता है बिकॉज यू प्रेइंग एंड ही इज हीलिंग. सो आपको नहीं पता इन विच स्पिरिट रैलम यू आर इन. कल रात को मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मैं गाड़ी ड्राइव करते आई वाज इन चिज़ेक एरिया. तो क्या हुआ, मैं दुआ करते करते क्या हो गया कि ना खुदा के पाक रूह ने कहा प्रेयर मोर. आई सेड व्हाई, सीरियसली आई टॉक हिम लाइक दैट. खुदा पाक रूह से मैं ऐसे सवाल भी करता हूँ, आई टॉक हिम पर्सनली एवरीथिंग. खुदा का पाक रूह कहता है कि बिकॉज देयर इज हैवी विचक्राफ्ट, समवन हैज टू ब्रेक.
Someone take authority to break it. आपको नहीं पता कि when you pray, spiritual realm में क्या हो जाता है. खुदा का पाक रूह हर वक्त आपके अंदर मौजूद रहता है. हर वक्त. You have to feel it. वो आपको गाइड करने के लिए, आपकी लाइफ को डायरेक्ट करने के लिए, आपको उन बरकतों से भरने के लिए जो खुदा बाप ने, खुदावन यीशु ने आपके लिए रखी, हर वक्त मौजूद रहता है. डिसर्मेंट की जरूरत है हमें कि हम खुदा पाक रूह को कैसे कैसे अपना आप देते हैं, किस तरह हम स्पिरिचुअल रैलम के अंदर उस विक्ट्री को क्लेम कर सकते हैं जो हमारी है, जो इससे पहले कि हम बनाए गए थे, वो विक्ट्री हमारी है और हमारे से कोई छीन नहीं सकता. There is no power in devil. He can snatch that victory from you. If you cover yourself in the blood of Jesus, if you walk in the with the spirit of Lord. Amen. I think you're getting it. That's how you can claim your victory. Victory. Hallelujah. Oh, thank you. Let me tell you, church. There is a better things are available in your life. Whether you take it, whether you just lose it. It is very important to walk with the Spirit of Lord, under the authority of the Spirit of the Lord. खुदा का, जैसे उस दिन भाई ने, रेवरेंड कामरान पीटर ने कहा, देयर इज अ मोर पावरफुल फोर्स इन दिस यूनिवर्स इज द होली स्पिरिट. आई लव यू होली स्पिरिट. आई लव यू. हमारे पास द मोस्ट पावरफुल फोर्स होने के बावजूद हम मसीह उस तरह से स्ट्रगल करते हैं जिस तरह से हमें करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. वी आर अ पावरफुल by the name of the Lord Jesus Christ. We are not slave. Hum apne badan ke slave nahi hain. Hum apne flesh ke, we are not slave for our flesh. Hame hamare badan pe authority honi chahiye if we walk in the spirit. Bahut sari hindrances, bahut sari rukawatein hamari zindagiyon mein aa jati hain. Shaitan lekar aata hai ya किसी तरह हम डोर ओपन कर लेते हैं. उन रुकावटों का बायस कभी कभी हम भी बन जाते हैं क्योंकि हम अपने फ्लैश के सुनते हैं, हम अपने जिस्म के तबार से चलते हैं. जब हम अपने जिस्म के तबार से चलते हैं तो बहुत सारी रुकावटें जो खुदा का रूह शायद हमें उस तरह से नहीं चलाना चाहता, लेकिन हम चलकर अपने लिए कुछ ऐसे डोर्स ओपन कर लेते हैं जिसकी वजह से वो हिंड्रेंसेस, वो ब्लॉकेजेस, वो रुकावटें हमारी जिंदगियों में आ जाती हैं. Unholiness, impurity, anger. Galatians 5:19 के अंदर कहता है, जब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हराम खारी, नपाकी, शैवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगर, यदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफिर के जुदाइयां, बित्तते बाज, नशाबाजी, नाच रंग और उनकी माने दुन की बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर चुका चुका था, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे. They will not be for the part of the kingdom of God. We have to have lock these things from our life. If we really wants to walk in our spirit, अगर हम वाकई खुदा के रूह में, खुदा के रूह के साथ चलना चाहते हैं, खुदा की रूह की हदायत के मुताबिक चलना चाहते हैं, we have to have it. खुदा का पाक रूह हमें मदद करता है इन हिंड्रेंसेस को दूर करने के लिए. खुदा का पाक रूह हमारी हदायत करता है, बिकॉज बट द हेल्पर, द होली स्पिरिट, whom द फादर विल सेंड यू इन माय नेम, विल टीच यू ऑल द थिंग्स एंड विल गाइड यू ऑल द थिंग्स. खुदा का पाक रूह सिखाता है. खुदा का पाक रूह उन तमाम हिंड्रेंसेस को, उन तमाम रुकावटों को, चाहे वो किसी सूरत में है, नशे की सूरत में है, गुस्से की सूरत के अंदर है, किसी के खिलाफ बोलने की, बोल किसी के खिलाफ नेगेटिव बोलने की सूरत में है. When you welcome Holy Spirit, in your body, this thing will be removed by the power of the Holy Ghost.
लीप आधा रास्ता अलाउ होली स्पिरिट टू करेक्ट यू, अपने आप को खुद से अलाउ ना करें, अपने आप को जिस्म के एतबार से ठीक करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि जब रूह ठीक करता है ना तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो परफेक्ट, ही इज नॉट अनपरफेक्ट, ही इज अ परफेक्ट। जब हम अपने एतबार से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो शायद हम उस तरह से ठीक नहीं कर पाते, लेकिन जब खुदा का पाक रूह हमें ठीक करता है, करेक्ट करता है, गाइड करता है, तो हम मुकम्मल तौर से फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी ठीक होते हैं। हम मुकम्मल तौर से फिजिकली और स्पिरिचुअली से ठीक हो जाते हैं। खुदा उनका शुक्र करते हैं, वो तमाम तर गुना खुदा पाकरू हमें हेल्प करता है, हमारी मदद करता है, क्योंकि वो हमारा मददगार है, हमारा टीचर है, हमें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसी तरह कहता है कि गलातियों 6:8 के अंदर कहता है कि हाँ जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। जब हम अपने जिस्म के लिए बोते हैं ना तो आगे लिखा हुआ है मेरे अजीजों, जिस्म से हलाकत की फसल, इट्स मीन यू डेड, हलाकत की फसल काटेगा तू। और जब आगे लिखा हुआ है जो रूह के लिए बोता है रूह से हमेशा की जिंदगी, इफ वी सो इन आवर स्पिरिट, इफ वी सो इन आवर स्पिरिट देयर इज इटर्नल लाइफ। और जब हम जिस्म के लिए काटेंगे, जिस्म के लिए बोएंगे, when you start earning for your body, for your unspiritual things, जब आप कमाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए या पैसे कमाने के लिए अगर आप ये सोचोगे कि मैं अपनी जरूरतों को पूरा कर लूं, तो then you are in flesh। उसी कमाई को जब आप कहोगे कि I wanna use this my money, this work, अगर इन पैसों को मैं खुदा की kingdom के लिए, खुदा की मर्जी के मुताबिक चलाना चाहूंगा, तो आप eternal life की तरफ। It's entirely up to you. There is two ways. Which one you can get it, which one you can just leave it. Do cheeze hai ki ek ko pakad lo aur ek ko chhod do. It's up to you. You must have to have things to do in your life. Hamari zindagi mein bahut sare zaruri nahi ki aap har waqt khuda ke sath hi jude rahe, kyunki I can understand meri bhi family hai, main bhi kaam karta hu, naukri karta hu, ठीक है, काम पे जाता हूँ, आप सब भी होंगे, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि 24 आवर्स में आप दिन के टाइम खुदा के लिए मखसूस ना कर सको। मैं अपनी वापस पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, शायद मैं मोस्ट ऑफ टाइम ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री के अंदर एवरीडे नहीं आता, बट इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपना पर्सनल टाइम जो है खुदा के साथ नहीं गुजारता। मैं अपने पर्सनल टाइम को खुदा के साथ कभी किसी और के साथ शेयर नहीं करता, कभी सेक्रीफाइस नहीं करता, चाहे मुझे रात के 2 बजे तक बैठना पड़े या सुबह अर्ली उठ के बैठना पड़े। आई स्पेंड टाइम, मैं खुदा के साथ जरूर टाइम गुजारता हूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ और चीजों को पीछे छोड़ देना पड़े। क्योंकि अगर आप अपने पर्सनल टाइम को खुदा के साथ नहीं गुजारोगे ना, तो वेदर यू इन बिग मिनिस्ट्री, वेदर यू डूइंग मिरेकल्स, यू डूइंग प्रोफेसीज, सबका फायदा नहीं। यू हैव टू हैव योर रिलेशनशिप खुदा पाकरू। आई जस्ट रिवील दिस थिंग यस्टरडे के खुदा के पाकरू ने इतनी बात समझाई कि देर इज द ब्यूटिफुल रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड यू। आई वॉज जस्ट अमेज्ड के इतना खुदा पाकरू कहते हैं कि इट इज अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप व्हेन यू कम टू मी। और मैंने हंसते हुए देखा खुदा पाकरू, when I go to deep prayer,
I just saw him laugh. Jaise main kehta tha, I love you, he just laughed. I love you, he laughed. I did experience. मैं पास्टर हारून से फ्राइडे को फ्राइडे सैटरडे हम मिले थे. मैं बात कर रहा था. मैंने कहा अरुण भाई कहते यार आप आ नहीं रहे आजकल. मैंने कहा अरुण भाई आई एम वर्किंग ऑन समथिंग. तो वो एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रहा था कि कैसे मैं उस डीप रिलेशनशिप में गया. उस खुदा का पाक रूह मुझे डीप रिलेशनशिप में लेके गया. सिखाया, मदद की. वी डू नॉट सो फॉर आवर स्पिरिट फॉर आवर फ्लैश. वी नीड टू सो फॉर आवर स्पिरिट ताकि हमेशा की जिंदगी के उस क्वालिटी लाइफ के उस हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ के आप काबिल हो जाएं. उसमें रहें अंडर अथॉरिटी. होली गोस्ट के अंदर आप रहें अंडर अथॉरिटी के. यू विल अमेज. वॉक इन स्पिरिट बाय प्रेजेंटिंग योर बॉडी एज अ लिविंग सैक्रिफाइस. हालेलुया. ये हमें एक बड़ी कमिटमेंट लगती है कि हम अपनी लिविंग बॉडी को जो ना वो सेक्रीफाइस के तौर पर प्रेजेंट करें होली स्पिरिट के अंदर अंडर अथॉरिटी के अंदर. सेट अपार्ट वर्ल्डली थिंग्स. जो दुनिया की चीजें हैं या दुनिया की बातें हैं वी नीड टू सेट अपार्ट आवरसेल्फ. हमें उससे अलग होने की जरूरत है. Walking away from anything that is not pleasing to the Lord. Har wo cheez se jo khuda ko pasand nahi hai hamari zindagi mein, we should walk away. We should. How? Say every day. Apni spirit mein chalte phirte. I cast down every big imaginations that tries to exalt itself against God. Jo khuda ko mukabla karti hai aapki khwahishain. When you do not listen the spirit of the Lord, iska matlab ke aap khuda ke mukabla mein khade. When you listen your flesh. Yuna ne apne jism ki apne zehen ki baat suni thi aur tufaan aaya. जब आप अपने जहन अपने जिस्म की बात सुनते हैं तो आपकी जिंदगियों में भी वो तूफान आते हैं. बिकॉज दैट इज इनपरफेक्ट. दैट इज इनपरफेक्ट. वी नीड टू हैव वॉक इन आवर स्पिरिट. हर वक्त चलते फिरते. पास्टर आसिफ ही इज माय मेंटर. ही इज माय टीचर. ही ट्रेन्ड मी सिंस 3 years. एक दिन पास्टर आसिफ हमारे घर पर आए या आई थिंक मैं वहां पे गया था. आई एम नॉट श्योर दिस थिंग. मैंने कहा पास्टर आसिफ ये कलर आप पे बहुत प्यारा लग रहा है. ही सेड आज होली स्पिरिट ने कहा मैंने आपने यही पहनना है. हाउ द पीपल लिसन. कितना कितना आप अपनी जिंदगी में होली स्पिरिट को इन्वॉल्व करते. कभी आपने इस तरह कहा है आई जस्ट स्टार्ट सेइंग दिस थिंग विद द होली स्पिरिट. मैं सो जाऊं. And when you want me, then I wake up. I just getting him personal in my life. Har ek baat share karna. Shayad main kisi se share nahi karta, but I start sharing with Holy Spirit. Har ek baat. I don't feel shy. Chahe wo achhi hai ya buri. I don't feel shy. Because khuda ka kalam kehta hai ki khudavan yesu kehte hai main tumhe ek madadgar bhejunga. उस टाइम पे 12 शागिर्दों के साथ खुदावंद यीशु थे. आज हम सब के साथ होली स्पिरिट. 3 साल पहले मैं फ्रैंकफर्ट वाले घर के अंदर खुदावंद ने मुझे मेरी मिनिस्ट्री का नाम दिया द स्पिरिट ऑफ द होली स्पिरिट. द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट. आज 3 साल बाद मुझे ये बात रिवील हो रही है कि व्हाई ही गिव इट टू मी. आई जस्ट राइट इट डाउन. वो स्टिल नाम अभी भी लिखा हुआ है मेरी कॉपी. Because मुझे वो चीज तब तक रिवील नहीं थी. मुझे तब तक उस तरह से चलना नहीं आ रहा जिस तरह से खुदा के पाक रूप में की हदायत से चलना चाहिए या जिस तरह से हमें उसको वेलकम कहना चाहिए. Walk in your spirit.
praying in tongues. चलते फिरते खुदा के साथ गैर जुबान में खुदा से मांगे। हम ब्रिटेन के अंदर रहते हैं, इंग्लैंड के अंदर रहते हैं, हमें एक चीज हमें कॉमन है कि अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो हमें सिटीजनशिप यानी पासपोर्ट मिलेगा, ब्रिटिश पासपोर्ट जिसको कहते हैं। इंडेफिनेट हो जाता है, फैसिलिटीज सब सेम्स हो जाती है, लेकिन आपके पास सिटीजनशिप नहीं होती। सो व्हेन यू स्टार्ट प्रेइंग इन टंग्स, क्योंकि रूह जानता है कि कहां मदद की जरूरत है, किस तरह से दुआ करनी चाहिए। एक और बात मैंने सीखी प्रिजन्स के अंदर, जब मैं प्रिजन मिनिस्ट्री करने जाता, कि जब आप प्रेयर में टंग्स में प्रेयर करते हो तो आपके चौकीर होली फायर का एक पिलर बन जाता है, द पिलर ऑफ फायर क्रिएट हो जाता है। When you start keep praying in tongues, वो इतना मजबूत हो जाता है कि devil जो होता है वो attack करने से भी डरता है, आपके पास आने से भी डरता है, क्योंकि उसको पता है कि आपके cross holy fire है। He will not come to attack you. He will scared. कहता है कि तू शैतान का मुकाबला कर तो वो तुझसे भाग जाएगा। जब हम टंग्स में प्रेयर करते हैं, गैर जुबान में दुआ करते हैं, हमारी स्पिरिट लिफ्ट अप होती है, बूस्ट अप होती है। कई कई दफा आज मैं सुबह जब गैर जुबान में वापस दुआ कर रहा था, इट वाज अ डीप सेशन, मैं एक डेजर्ट में अकेला बैठा हूं और मैं दुआ कर रहा हूँ। आई वाज अ नील डाउन, घुटने हुआ हूं और मैं दुआ कर रहा हूँ उस डेजर्ट में। देन आई स्टार्ट आस्किंग व्हाट इज दिस, तो खुदा ने कहा जस्ट प्रे उन रूहों के लिए जो इस डेजर्ट की मानित है, उन रूहों के लिए जिन्होंने अपनी रूहों को मुकम्मल तौर से खत्म कर दिया है, उन जिंदगियों के लिए, क्योंकि रूहें जो है जो बिल्कुल ही वर्ड नहीं मेरा प्रॉपरली आ रहा उस तरह से, कि उस तरह वो मतलब जो खाली हो जाती है, बेबस लाचार हो जाती है, जिनमें कुछ नहीं रहता, यानी कि बंजर, यू कैन से अनदर वर्ड, जैसे बंजर जमीन हो जाती है, खुश्क हो जाती है जब पानी नहीं होता। स्टार्ट प्रेइंग फॉर देम, वी हैव टू हैव वॉक इन स्पिरिट। जब हम टंग्स में प्रेयर करते हैं, गैर जुबान में दुआ करते हैं, इट्स स्ट्रेंथ आवर सेल्फ, वो स्ट्रेंथ देता है, कुव्वत देता है, क्योंकि खुदा का पाक रूह कुव्वत ताकत है हमारी, हमें चलाता, हमें सिखाता है हर एक बात, हमारी मदद करता है हमारी कमजोरियों में। खुदा का पाक, खुदा का कलाम कहता है वो हमारी रूह ऐसे आए हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करता है, रूह आए भर भर के दुआ करता है, जिस तरह से हमें, जिस तौर से हमें करनी चाहिए। रोमन्स के अंदर है, रोमन 6, इट्स अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं, जो को रोमियो की किताब उसके आई थिंक इट्स इन रोमन, हम शुक्र करते हैं कि खुदा का पाक रूह हमें सिखाता, चलाता, हमारी मदद, हमारी इस्तहाता करता है। आगे खुदा का कलाम कहता है कि भेड़ें, यूहन्ना की किताब उसका 10 उसका 14 चैप्टर कहता है कि आई एम द गुड शेपर्ड, आई नो माई शीप्स And my sheep knows me. जब आपका रिलेशनशिप खुदा पाक के साथ इतना मजबूत हो जाता है तो आप उसकी आवाज को पहचानते हो, उसे फील करते हो अपनी जिंदगी के अंदर, महसूस करते हो, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो दो धारी तेज तलवार की बात है।
पन पन कूदे कूदे को चीर देता है। आप अपने अंदर चाहे जितना भी सख्त दिल रखते हो, जितने भी आप रिजिड हो, वो तोड़ देता है, नरम कर देता है, मुलायम कर देता है। जब हम खुदा की आवाज को सुनते और पहचानते कि खुदा का पाकरूम से किस तरह से बात करना चाहता है या किस तरह से हमें अपने तौर से चलाना चाहता है, तो हम उस फेवर को जो खुदा ने हमारे लिए रखी होती है, उस स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को जो खुदावंद ने हमारे लिए रखी होती है, हम अपनी जिंदगियों में ले लेते हैं। नाउ ऑनवर्ड आपकी बॉडी, आपका माइंड आपको चलाने ना पाए, बल्कि खुदा का रूह, अलाउ हिम एज मच एज यू कैन, जितना ज्यादा हर एक बात में, इवन डू शॉपिंग्स में, स्पेंडिंग मनी में, कि खुदा पाक रूह, शैल आई स्पेंड दिस वन, शैल आई स्पेंड दिस वन, शैल आई बाय दिस वन, अलाउ एज यू मच एज यू कैन इन योर स्पिरिट। इफ यू वॉन्ट टू हैव अ प्रॉस्पर लाइफ, if to have a quality life, allow Holy Spirit apni zindagi mein, kyunki bhede apne charwahe ki awaaz ko sunti aur pehchanti. Agar hum waqai bhede hain khudawand ki, तो हम उसके रूह की आवाज को जरूर सुनते और पहचानते हैं कि यह किसकी आवाज है। यह हमारे फ्लैश की आवाज है या खुदा के रूह की आवाज है? डिक्लेयर दिस, से बिहाइंड एवरी वन, आई वुड इनकरेज यू, से बिहाइंड मी दिस डिक्लेरेशन, इन जीसस नेम आई एम टेकिंग कमांड ऑफ माई बॉडी. My body, you can't tell me what to do or think. Holy Spirit, you are in charge of my body and my mind. I'll submit my body, myself, to your hand. In Jesus' mighty name. Amen. Khudavand aap sabko barkat de. Amen. Amen.